हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को पिछले महीने ही आपने लेटर देखा था ICDS की ओर से, जिसमें लिखा गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है बिजली का कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके रिलेटेड जो है कई लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों ने अपने परियोजना से PDF भी सेंड किया, क्योंकि विभाग के द्वारा जो है सुविधा ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुविधा ऐप बिहार में बिजली कनेक्शन के संबंध में, बिजली की शिकायत के संबंध में, बिजली बिल पेमेंट करने के संबंध में बहुत ही बेहतरीन ऐप है। ये बिजली विभाग का, बिहार का अपना ऐप है। इस ऐप से ही आवेदन करने पर आंगनवाड़ी केंद्र पर कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके परियोजना ऑफिस से इसकी इजाजत नहीं दी जाती कनेक्शन अप्लाई करने के लिए, आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है। लेकिन आप पहले से प्रोसेस मालूम करके रखिए कि आखिर जब आपको कनेक्शन मिलेगा तो किस प्रकार मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा तो कैसे करना होगा। मैं फिर कहूंगा, जब तक आपके परियोजना ऑफिस से आदेश नहीं आता कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सुविधा ऐप में, तब तक आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ जानकारी लीजिए। लेकिन कई जगहों पर इसका आदेश आया हुआ है, सेविकाओं को मोबाइल नंबर और आंगनबाड़ी केंद्र का फोटो डिटेल डाल करके जो है कनेक्शन लेना है। तो कैसे लेना है, चलिए डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो अगर आप बीच में की चीज़ों को स्किप करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने को मिली है। कई लोगों ने मुझे अपने परियोजना से इस PDF को सेंड किया हुआ था। आप सभी को मालूम है कि 23 जनवरी 2024 को ICDS का नोटिफिकेशन था कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है बिजली कनेक्शन हर हाल में उपलब्ध कराना है। कैसे उपलब्ध कराना है, कौन सा कंपनी किधर देगी वो मैंने बताया था, कितना फेज मिलेगा, और इसके लिए सेविकाओं को जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वो सुविधा ऐप में करना होगा। ये नोटिफिकेशन मैं ICDS नोटिफिकेशन में 3 नंबर पर था कि सुविधा ऐप में सेविकाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और यूनिक कोड जो 11 अंक का होता है हर एक आंगनबाड़ी केंद्र का, उस पर कनेक्शन मिलेगा। कमर्शियल कनेक्शन रहेगा, 50 यूनिट का बिजली हर महीने विभाग की ओर से उसका पेमेंट दे दिया जाएगा। और इसके लिए कहाँ पर कितना जो है कनेक्शन दिया गया इसका रिक्वेस्ट मांगा गया था और 15 दिनों के अंदर इसका रिपोर्ट मांगा गया था। इसके बाद कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आखिर सुविधा ऐप से जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को कैसे अप्लाई करना है और कनेक्शन कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसीजर क्या है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। उम्मीद करूंगा सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल पाए। और मुझे मालूम है बिना कहे भी आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक और बात आपको पॉइंट कर लेना है, स्टार लगा लीजिए, कि जब तक आपके परियोजना ऑफिस से, आपके CDPO ऑफिस से इसके संबंध में आदेश नहीं आता कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है बिजली कनेक्शन के लिए, तब तक आप मत कीजिए। जब आदेश आएगा कि सुविधा ऐप से आप लोग अपने अपने सेंटर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कीजिए, तो ही आपको अप्लाई करना है। ये आपके परियोजना ऑफिस के आदेश आने के बाद करना है, लेकिन देर सवेर ये आपको करना ही होगा, अन्यथा आपको साइबर कैफे में जाना होगा, बिजली ऑफिस दौड़ना पड़ सकता है, आपके परियोजना ऑफिस दौड़ना पड़ सकता है। जो भी होगा अपने आदेश के बाद कीजिएगा। अब आते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, वीडियो आजकल थोड़ी सी लंबी बन रही है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें समझा करके बना रहा हूँ। वीडियो मेरे द्वारा जो बनाई जाती है आप लोगों को कैसी लगती है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को सही लगता है, नहीं लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हाउ टू यूज सुविधा ऐप, सिंपल में सुविधा ऐप एक तरीके का ऐप है जो बिजली विभाग बिहार सरकार का है। सिंपल में जैसे आपका पोषण ट्रैकर ऐप है, वैसे ही सुविधा ऐप को आपको सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसका लोगो जो है सुविधा ऐप कैसे दिखेगा, आपको दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप उस ऐप को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो पूरा सर्विस इसमें होता है। तो यहाँ पर आपको बीच में एक मेन्यू दिखेगा, न्यू कनेक्शन सर्विसेज, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लाई न्यू कनेक्शन, क्योंकि आंगनबाड़ी के अंदर बिल्कुल नया नया कनेक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तीसरे स्टेप में जो है यहाँ पर आपको गाइडलाइन को देख लेना है कि बेसिक डिटेल आपको भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने होंगे। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा मैं आपको बताऊँगा, ID प्रूफ में क्या होगा, फोटो में क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक कीजिएगा अगले स्टेप में आप पहुँच जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है
कुछ चीज़ें यहाँ पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। सबसे पहले आपको आपके जिले का नाम भरना होगा, जिले के नाम के बाद जो है मोबाइल नंबर आपको भरना होगा और OTP पर क्लिक करना होगा। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और मोबाइल नंबर आप वहीं दीजिएगा जो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में हो या फिर विभाग में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो OTP आते ही वेरीफाई कर देना है आपको यहाँ पर, और OTP वेरीफाई करने के बाद नीचे आपका एरिया पूछेगा। एरिया मतलब कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र किस ब्लॉक में है, किस पंचायत में है, किस वार्ड में है, वो भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए ये सारी चीजें तभी करना है जब आपके परिणय ऑफिस से आदेश आए कि सुविधा ऐप से आप बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, तो कीजिए, नहीं आया तो रुके रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको डिवीजन चूज करना है, आपका बिजली जो एरिया है वो कौन से डिवीजन में आता है, उसका सब डिवीजन क्या है और उसका जो है सेक्शन क्या है, वो मैं सारी चीज़ें आपको जब कभी अप्लाई करना होगा तो सीधे बना करके दिखाऊंगा। हर एक डिवीजन एरिया का अलग अलग डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है। उसके बाद चूंकि कमर्शियल कनेक्शन लेना है, आपने ICDS लेटर में देखा था 10 दिन पहले कि केंद्र पर कमर्शियल कनेक्शन दिया जाएगा। कमर्शियल कनेक्शन जैसे कि किसी दुकान में होता है, किसी शॉप में होता है, मॉल में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में होता है, वैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर कमर्शियल कनेक्शन दिया जाएगा तो आपको कमर्शियल सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे के रेंज में आ जाइएगा, आपको जो है आपका फेज सिलेक्ट करना होगा कि आपको कितना लोड चाहिए, तो आपको एक फेज का लोड ही लेना है। जी हाँ, सिंगल फेज का लाइन लेना है जहां पर 1 से लेकर 70 किलोवाट तक का लोड आपको मिलेगा, तो फेज 1 आपको सिलेक्ट करना है। देखिए अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आपको खुद से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अप्लाई करने में गलती कीजिएगा आपको गलत कनेक्शन दे दिया जाएगा, आपको महंगा पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर डिजायर्ड लोड, लोड आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 1 एंटर करना है क्योंकि 1 किलोवाट काफी है एक पंखा, बल्ब और छोटे मोटे सामान के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ इतनी ही चीजें रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर जब आप क्लिक कीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम जो है, एप्लीकेंट का नेम, किसके नाम पर ये कनेक्शन चाहिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र को 11 अंक का आपको यहाँ पर यूनिक कोड एंटर कर देना है, क्योंकि आवेदक में जो है या फिर जो कनेक्शन मिलेगा आपके आंगनबाड़ी केंद्र के 11 अंक के यूनिक कोड से मिलेगा, जो 10, 20, 30 ऐसे करके शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से आपका यूनिक कोड एप्लीकेंट नेम में भर देना है। जेंडर में यहाँ पर जो है वो ये भरना है, फीमेल रहेगा। उसके बाद कनेक्शन जो है वो न्यू कनेक्शन रहेगा। उसके बाद किस पर्पज़ से चाहिए वो आपको भरना होगा और यहाँ पर डिटेल में आपको ये भरना होगा। उसके बाद आगे आते हैं, आगे आने के बाद जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है इंटर न्यू कनेक्शन इंस्टॉलेशन, किस प्रकार का इंस्टॉलेशन चाहिए, तो आंगनवाड़ी सेंटर का पूरा एड्रेस, वार्ड, एरिया, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी जरूर भरिएगा, बिल्डिंग नेम और मोहल्ला का नाम भरिएगा। उसके बाद वहाँ पर जो है आपको फाइनल एप्लीकेशन करने का पहले एक प्रीव्यू फॉर्म आएगा, आपको उस पर क्लिक कीजिएगा, पूरा PDF आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा हुआ है, किस यूनिक कोड को भरा हुआ है, क्या नाम है और एरिया का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या था, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन एकदम ध्यान से देख लेना है। सब सही है तो बेसिक सबमिट डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका डिटेल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पर तुरंत ही रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, उस रिक्वेस्ट नंबर को सेव कर लीजिए, मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। उसके बाद फिर से सारी चीज़ों को बंद करके आपको सुविधा ऐप को ओपन करना है। करने के बाद न्यू कनेक्शन सर्विसेज पर फिर से आपको ओपन करना होगा। करने के बाद जो है यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये काम पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो है अपलोड या अपडेट पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल गया है, अब आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा बिजली विभाग के पास कि हमको यहाँ पर इस हिसाब से, इस आधार पर मैंने कनेक्शन लिया हुआ है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर डालना होगा जो आपने आवेदन करते समय आपको बाद में मिला हुआ था। उसके बाद फिर से OTP आएगा, उसको भरना होगा, OTP को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है चीज़ें कुछ अपलोड करनी होगी। क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होगी, आपके आपके आंगनवाड़ी केंद्र का फोटो, सॉरी ध्यान दीजिएगा, आपको आंगनवाड़ी वर्कर यानी सेविका का यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना होगा कनेक्शन के लिए, फाइनल करने के लिए सेविका का, आंगनवाड़ी वर्कर का आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड ID प्रूफ के रूप में अपलोड करना होगा। तीसरा जो है आंगनवाड़ी वर्कर का आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो है वो सेविका का एड्रेस प्रूफ में अपलोड करना होगा। मात्र 3 डॉक्यूमेंट देना है, आंगनवाड़ी सेविका का फोटो, सेविका का आधार कार्ड या वोटर कार्ड, और इसके बाद जो है आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको
मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कनेक्शन कब तक लग जाएगा, मीटर कब तक लग जाएगा, और जो पेमेंट होगा वो विभाग की ओर से बिजली विभाग को पेड किया जाएगा। आपको जो है सिर्फ इतना प्रोसीजर करना है कि कनेक्शन कैसे लेना है। मैंने शुरुआत से आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ पर क्या फिल करना है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद से मत भरिएगा, गलती होने पर दिक्कत हो जाएगी। आपके ऑफिस में इसके लिए फॉर्म भरवाया जा सकता है या बुलाया जा सकता है, अन्यथा अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके ऑफिस से आदेश मिल रहा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, तो बिल्कुल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिकल भी मैं जल्दी करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।